साल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर हूँ मैं, खाना सही समय पे नहीं खा पाता, मजबूर हूँ। तो गाइज, अगर आप भी कुछ इसी तरह का वीडियो अपने फोन से क्रिएट करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर थैंक्स वाला ऐसा वीडियो अगर आप अपने फोन से क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं आपको अभी यही सिखाने वाला हूँ दोस्तों कि आप इस तरह का वीडियो अपने फोन से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये चारों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना है, और स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, पिक्सआर्ट ऐप ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे फोटो इंपोर्ट कर लेनी है दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रॉप वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्रॉप, और यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से इसको क्रॉप कर लीजिए। मैं स्क्वायर साइज में यहाँ पर इसको क्रॉप कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं इसको। तो मैं इस साइज़ के इसको अभी क्रॉप कर लेने वाला हूँ। तो ये क्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर नीचे वाले लाइन यहाँ पर थोड़ी सरकनी है, और यहाँ पर ड्रॉ में जाना है, ड्रॉ में क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर ये आइकन पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर ये वाला आइकन सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर फिल ओके कर देना है, और यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर अभी लॉन्ग प्रेस करके रखना है दोस्तों, यहाँ पर ये ऐसे वाली हुई आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको वाइट कर देना है, और यहाँ पर अपने फॉलोअर और ये सब हाइड कर देने हैं कुछ इस तरह से। तो यह हाइड करने के बाद यहाँ पर ओके कर दीजिए, और यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसको गैलरी में सेव कर लेंगे। तो गैलरी में सेव करने के बाद अभी आपको क्या करना है दोस्तों, तो अभी आपको पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा अभी, और यहाँ पर ये फोटो में, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट में डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों, यहाँ पर फ्रॉम गैलरी में जाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी एक ब्लैक इमेज ले ली दोस्तों, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट मार के भी यहाँ पर किसी भी ब्लैक इमेज ले सकते हैं, और यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन में कर देना है कुछ इस तरह से। इसको फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर ये जो आइकन है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है इसको, और यहाँ पर इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद हमको इसको कुछ भी नहीं करना है, अभी यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर लेंगे हम टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको जितने भी फॉलोअर हो गए दोस्तों आपके, उतने आपको लिख देने यहाँ पर। तो सपोज मैं दोस्तों 10K लिख देता हूँ, 10K फॉलोअर स्पेशल, मान लीजिए मेरे 10K फॉलोअर हो गए, हो ये तो नहीं दोस्तों, लेकिन हम मान लेंगे अभी 10K। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे बड़ा सा, इसको इसका फ्रंट थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको अभी थोड़ा सा हम बीच में कर लेंगे थोड़ा सा। इसको करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसका कलर थोड़ा सा भी चेंज करने वाले, इसका कलर हम येलो कर देंगे, और यहाँ पर इसका जो है दोस्तों स्ट्रोक, इसको ऑन कर देंगे स्ट्रोक को। स्ट्रोक ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमको इस पर, यहाँ पर दोस्तों एक कॉपी का आइकन आ रहा है दोस्तों, आप यहाँ पर कॉपी कर लेनी इसको, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको अपना इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर लिख देनी है। और यहाँ पर इसको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों आपको ये नाम पर, और यहाँ पर फिर से इसको कॉपी कर लेना है एक बार, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको क्लिक करना है अभी, और यहाँ पर थैंक्स फॉर योर सपोर्ट का हम कुछ भी यहाँ से ऐसा लिख देंगे। इसकी पोजीशन थोड़ी सी हम यहाँ पर बीच में कर लेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको इसकी पोजीशन सेट कर देनी है। और पोजीशन सेट करने के बाद यहाँ पर ये वाला आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों, और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसको ये जो आइकन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर अभी क्लिक करना है, और यहाँ पर इसको सभी को सिलेक्ट कर लेना है। और सभी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है दोस्तों इमर्ज का, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। तो ये ओके करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अभी इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, ये बीच वाला आइकन, और यहाँ पर इसको सर्कल लेना है, सर्कल लेना है, और यहाँ पर देख रहे इरेज बैकग्राउंड, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर इसको ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद इसको यहाँ से इसको फुल कर देना है अभी इस तरह से, ये टॉलरेंस इसको फुल कर देना दोस्तों। ये फुल करने के बाद यहाँ से बैक चले आना है, और यहाँ पर ये दो आइकन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करना है आपको अभी इस वाले आइकन पर, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट, इसको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ओके कर देना है ट्रांसपेरेंट को। तो ये करने के बाद आपको इसको सिंपली से अभी सेव कर लेना दोस्तों, तो मैं इसको अल्ट्रा में सेव कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी सेव कर सकते इसको किसी भी। तो ये हमारा अभी दोस्तों सेव हो चुका है, तो अभी हमको जाना है डायरेक्टली से अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन कर लें दोस्तों अभी हमको।
तो यहाँ पर अभी प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर हमको 1.1 की यहाँ पर फ्रेम सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर इमेज में जाना है, और जो हमने दोस्तों इमेज बनाई है हमारी जो पिक्सआर्ट में हमने जो इमेज बनाई थी दोस्तों यहाँ पर ले लेनी है, और टाइमिंग अपने हिसाब से आपको जितना बड़ा वीडियो बनाना है दोस्तों उतना बड़ा ले लीजिए। तो मैं अभी इसको 10 सेकंड का कर देता हूँ। तो ये 11 सेकंड का हो गया, मैं अभी इसको रहने वाला ऐसे रहने दूंगा। तो यहाँ पर फिर से हमको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है। तो टेक्स्ट में यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर पोस्ट लिखने वाला हूँ, मैं पोस्ट लिख दूंगा दोस्तों 500 पोस्ट लिख दूंगा। सपोज़ आप अपनी जितनी पोस्ट दोस्तों उतनी यहाँ पर लिख दीजिए, और ये लिखने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं जाऊँगा रेगुलर रोबोट और रेगुलर में, और यहाँ पर ये रोबोटो ब्लैक ये वाला फ्रंट सिलेक्ट कर लूँगा। आप भी ये फ्रंट लीजिएगा दोस्तों, अच्छा फ्रंट है। और यहाँ पर हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, कलर में इसको ब्लैक रखने वाला हूँ, अगर आपको दूसरा कलर रखना है तो आप रख सकते हो। तो ये ब्लैक कलर रखने के बाद इसको मैं यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर दूंगा यहाँ पर पोस्ट के ऊपर। तो ये सेट करने के बाद मैं इसको ओके कर दूंगा, और यहाँ पर इसको भी ऐसे लंबा थोड़ा फुल वीडियो में ऐसा कर दूंगा दोस्तों इसको। तो ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमको ये 500 जो लिखा है दोस्तों यहाँ पर इसको क्लिक करना है, और यहाँ पर इफेक्ट में जाना है दोस्तों, और यहाँ पर ऐड इफेक्ट करना है। ऐड इफेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों टेक्स्ट में जाना है दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको यहाँ से इसको स्वाइप कर देंगे तो टेक्स्ट में आ जाएगा। यहाँ पर काउंट डाउन यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, तो इसको क्लिक करना है आपको। काउंट डाउन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते दो लाइन्स हमारी आ गई, ऑफसेट और स्केल। तो आपको यहाँ पर एक प्लस वाला आइकन आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्लस कर आइकन वाले दबा देंगे, और यहाँ पर स्केल है दोस्तों इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, तो इसको हम डायरेक्ट इसे 0 कर देंगे यहाँ पर अभी। और यहाँ पर आपकी ये लाइन यहाँ से इसको एंड में ले लेना दोस्तों, यहाँ पर एंड में, और यहाँ पर फिर से एक डॉट लगा देना है यहाँ पर प्लस वाला आइकन से, और यहाँ पर इसको 500 कर देंगे हम। यहाँ पर इसको यहाँ से स्लाइड कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 500 हो जाएंगे हमको। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों हमारे 500 फॉलोअर यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आपको सेट करना है, और यहाँ से बैक चले आना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कैसे फॉलोअर यहाँ पर, जैसे मैं आगे करूँगा तो यहाँ पर बढ़ते पोस्ट बढ़ते हुए दिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर फिर से हमको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर टेक्स्ट ले लेना है, और टेक्स्ट में यहाँ पर अभी मैं फॉलोअर लिख रहा हूँ दोस्तों 10,000, वही तो नहीं लेकिन लिख देता हूँ दोस्तों मैं। और यहाँ पर फिर से कलर हम ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे, इसको ओके कर देंगे, यहाँ पर इसको ऐसे सेट कर देंगे फिर से। ये सेट करने के बाद दोस्तों अभी हम जाएंगे फिर से उसी तरह से करेंगे हम सब कुछ, इसको पहले फुल वीडियो में कर लेता हूँ मैं। तो बाद में हम कर लेंगे इसको। तो फिर से हमको इस 10K वाली लाइन पर क्लिक करना है दोस्तों, येलो, यहाँ पर इफेक्ट्स में चले जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद ऐड इफेक्ट करना है दोस्तों, और यहाँ पर काउंट डाउन का इफेक्ट यहाँ पर आ चुका है तो इसको ले लेंगे, और यहाँ पर फिर से एक प्लस का वाला आइकन पर दबाकर एक डॉट लगा देंगे दोस्तों यहाँ पर, ये वाला डॉट, और यहाँ पर इसको फिर से हम कम कर देंगे सबसे, इसको डायरेक्टली से 0 कर देना दोस्तों नीचे वाले स्केल को। और अभी ऊपर वाली लाइन इसको एंड में ले जाना है दोस्तों, और यहाँ पर एक फिर से प्लस वाला आइकन दबा कर डॉट लगा देना है, और यहाँ पर इसको 10K कर देंगे अभी हम। ये ऑफसेट को यहाँ पर स्लाइड करते रहना दोस्तों जब तक 10K हो जाते तब तक। तो यहाँ पर हमारे 10K हो रहे दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे रहने देंगे अभी, और यहाँ पर हम बैक चलेंगे। तो फिर से हम अभी एक प्लस वाला आइकन पर दबा कर एक टेक्स्ट ले लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अभी मैं अपने फॉलोअर्स मैंने जिनको फॉलो किया है वो लगाने वाला दोस्तों यहाँ पर फॉलोइंग का। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ दोस्तों 5 लगा देता हूँ दोस्तों मैं फिलहाल के लिए, और यहाँ पर कलर इसका ब्लैक कर देंगे हम फिर से, सभी उसी तरह से कर रहे हैं दोस्तों जैसे हमने पहले किया है। तो इसको ओके कर देंगे, फिर से हम यहाँ पर इफेक्ट्स में जाएंगे दोस्तों, ऐड इफेक्ट करेंगे, काउंट डाउन लगाएंगे, और यहाँ पर नीचे वाली को हम पहले हम यहाँ पर एक प्लस लगा कर यहाँ पर डॉट लगा लेंगे,
नीचे वाली को यहाँ पर जीरो कर देंगे, वन से स्टार्ट कर दे दो दोस्तों, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमको फिर से एक प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एक डॉट लगा देना है और यहाँ पर इसको 5 कर देना है। आप जितने चाहिए उतने कर सकते हो दोस्तों फॉलोइंग, तो मैं इसको 5 ही रहने देता हूँ अभी। तो इसको 5 करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेट। अब अपने हिसाब से यहाँ पर इसको लाइन में सेट कर दीजिएगा दोस्तों, और आगे वाले तो मैं इसको कट कर दूंगा अभी जो भी बच रहे हो। इस तरह से मैं इसको कट कर देता हूँ। तो ये कट करने के बाद ऐसे देख सकते दोस्तों हमारे यहाँ पर फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉलोइंग हमारा उतने का उतने दोस्तों ये बढ़ नहीं रहा। तो मैं इसको एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्या हुआ। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा दोस्तों और फिर से यहाँ पर एड इफेक्ट में जाऊँगा, फिर से यहाँ पर काउंट डाउन ले लेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर फिर से एक प्लस वाला आइकन पर दबा देंगे, यहाँ पर माइनस कर लेंगे दोस्तों अभी हम, और यहाँ पर इसको एंड में ले जाएंगे। यहाँ पर प्लस वाला आइकन दबाकर यहाँ पर 5 कर देंगे। अभी हमारा जो दोस्तों ये फॉलोइंग का वर्क कर लगेगा, फॉलोइंग बन लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारे फॉलोइंग अभी बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना दोस्तों, अभी डायरेक्टली से आपको ये वीडियो एक्सपोर्ट कर लेना है, आई मीन सेव कर लेना है। तो यहाँ पर तो अभी आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हम वीडियो सेव कर लेंगे। यहाँ पर ये जो आइकन है दोस्तों सेव का, यहाँ पर क्लिक करके सेव कर लेंगे वीडियो को, सेव को आप कर लीजिए। तो मैं एक्सपोर्ट MP4 वीडियो में कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हमको जो एक काइनमास्टर ऐप ओपन कर लेना है, यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर जैसे एक न्यू प्रोजेक्ट का आइकन आ रहा है, तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके हम 1.1 का रेशियो सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। तो ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम मीडिया में जाएंगे, यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये वीडियो को हम यहाँ पर अभी थोड़ा बड़ा 10 सेकंड का दोस्तों, यहाँ पर 10 सेकंड का रहने देंगे, कोई बात नहीं। और ये रहने के बाद यहाँ पर हम इसको अभी एक यहाँ पर फिर से एक मीडिया पर क्लिक करना दोस्तों हमको। दोस्तों यहाँ पर एक सिंपल सी एक वीडियो बना चुका है दोस्तों, यहाँ पर ये देख सकते हैं हम यहाँ पर एक। तो ये वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप ऐसे डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर ये वीडियो लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीच में एक आइकन आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक इफेक्ट्स ऐड कर देंगे दोस्तों हम। तो मैं यहाँ पर एक कंप्यूटराइज इरर का इफेक्ट, कंप्यूटराइज इरर वाली इफेक्ट ऐड कर दूंगा। आप जो चाहे वो भी इफेक्ट लगा सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पर ये वाली इफेक्ट लगा दूंगा, या अच्छा लग रहा है दोस्तों मेरे को तो। और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी एक लेयर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मीडिया में जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमने वो पिक्सल लैब में जो फोटो ली दोस्तों, यहाँ पर ये वाली लेनी है हमको, और यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन कर देना है। कुछ इस तरह से। तो ये करने के बाद हमको यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा लेना है अपने हिसाब से। तो ये करने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पर एक गाना लेना है अभी, तो यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करेंगे हम। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक MUI बंटाई का एक सॉन्ग है दोस्तों, ये ले रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिए, आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सॉन्ग का, आप अपने कट करके। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ आगे पहले वाला, फिर इसको थोड़ा सा हम बैक कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं प्ले करके देखता हूँ। जैसे कि हमारे फास्ट फॉलोअर थोड़ी सी तेजी से काउंट होंगे। यहाँ पर जो दोस्तों 10K वाला हमारा थोड़ा सा हम पीछे ले लेंगे। ये फोटो को थोड़ा सा हमको और पीछे लेना दोस्तों, इसको प्रेस करके रखना है और थोड़ा सा यहाँ पर और पीछे ले लेना है। तो कुछ इस तरह से, और यहाँ पर इसको क्लिक करके इन एनिमेशन दे देना दोस्तों आपके सबसे कोई भी इन एनिमेशन। तो मैं यहाँ पर स्केल डाउन का ऑप्शन लगा देता हूँ दोस्तों, ये अच्छा लग रहा है मेरे को, तो ये लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। और फिर से एक बार हम प्ले कर, तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर से एक बार इसको प्ले करके देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको अपने हिसाब से यहाँ पर इसको सेट कर देना, कहाँ पर गाना प्ले होगा, कहाँ पर फोटो आएगी, आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा दोस्तों।
और यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर जो बच्चा कुछ है दोस्तों, आपको जितने सेकंड का रखना चाहिए उसको रख दीजिए। मैं यहाँ पर 19 सेकंड का रख देता हूँ और यहाँ पर आगे वाला पार्ट कट कर देता हूँ। यहाँ पर गाना भी मैं आगे वाला कट कर देता हूँ यहाँ से। और गाना कट करने के बाद दोस्तों, अगर आप इसको यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस मीडिया पर, और यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स में जाकर यहाँ पर और कोई ग्राफिक्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें दोस्तों। तो यहाँ पर यही था दोस्तों वीडियो। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्वालिटी सेट करके MB सेट करके यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।